मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया है, आप देख रहे हैं ज़करिया रेडियो चैनल। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये काफ़ी आप दोस्तों की रिक्वेस्ट के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आप दोस्तों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है कि आप इसके ऊपर हमें बताएँ कि हम किस तरह डिपॉज़िट कर सकते हैं सिंपल माइनिंग में और उसके बाद हाई वोएस में। तो डिपॉज़िट कौन सा, मैं पहले आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखें, ये है जी सिंपल माइनिंग, डॉटनेट का सॉफ्टवेयर है। अगर आप माइनिंग करते हैं तो पर मंथ आपको $2 देना पड़ते हैं यहाँ पे, अगर आप एक अपना रिग चलाते हैं तो पर रिग $2 उसकी फ़ीस है। और इसी तरह अगर आप चलाते हैं जी ये हाईवोएस, तो हाईवोएस में आपको देने पड़ते हैं जी $3 पर मंथ। तो यहाँ पर डिपॉज़िट करना पड़ती है, पेमेंट समय लें तो उसका तरीकाकार मैं आपको फुल बताऊंगा कि आपने किस तरह करना है और कौन सा कॉइन यहाँ पे डिपॉज़िट करना है जो बिल्कुल, यानी कि जिसकी फ़ीस ना हो, यानी कि ट्रांजैक्शन फ़ीस होगी तो सही लेकिन ना होने के बराबर होगी, मैं अभी आप दोस्तों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, ये लिंक आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर बाइनांस एक्सचेंज है, क्यू कॉइन एक्सचेंज है और रेमिटानो है और उसके बाद पैक्सफुल है। इन सब के आपने अकाउंट बना लेने हैं, जहां पर भी आपके पास फ़ंड पड़ा हुआ होगा आपने ट्रांसफ़र करना है। लेकिन कोशिश करें सबसे पहले आप बाइनांस एक्सचेंज यूज़ करें, ठीक है। यहां पे ट्रांजैक्शन फ़ीस बहुत कम होती है और साथ में आप अपना कॉइन को कन्वर्ट भी कर सकते हैं किसी दूसरे कॉइन में। तो मैं अभी आपको तरीका भी उसका बता देता हूँ जी। तो सबसे पहले आप दोस्तों ने करना क्या, देखें, अगर आप लोग इसको यूज़ करते हैं सिंपल माइनिंग डॉटनेट को, तो आपने डिपॉज़िट के ऊपर जाना है। तो जैसे ही आप डिपॉज़िट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे देखें BTC है और इथेरियम है और जी कैश है और LTC है। तो आपने LTC को यूज़ करना है, ठीक है। आप LTC के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक एड्रेस मिल जाएगा, इस एड्रेस के ऊपर आपने पेमेंट करनी है, ठीक है जी। यहाँ से आप जितना भी सिलेक्ट करना हो आप सिलेक्ट कर लें, यानी कि ठीक है जितने मंथ, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जितना भी है, बहरहाल आप उसके हिसाब से यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। ये आपने एड्रेस कॉपी करना है यहाँ तक, ये हो गया LTC का, ठीक है जी। अब तरीकाकार क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप दूसरा कोई भी कॉइन यूज़ करते हैं तो उसके लिए अब हम चलते हैं जी इसमें बाइनांस एक्सचेंज पर। मैं आ चुका हूँ तो मेरे पास ये फ़िलहाल इतना फ़ंड पड़ा हुआ है, ठीक है जी। ये भी मुझे समझ लें कि ये मिला हुआ है। और यहाँ पर देखें, अगर तो आप LTC की यानी कि ट्रांजेक्शन करते हैं तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ जी ETH। मैं यहाँ से विदड्रॉ के ऊपर जाऊँगा जी। और यहाँ पे देखें, अगर आप इथेरियम का ब्लॉकचेन यूज़ करेंगे तो साफ ज़रा, अगर आपने यहाँ पे पेमेंट करनी है यहाँ पे तो इथेरियम का ही ब्लॉकचेन यूज़ होगा, ठीक है जी। तो इथेरियम का आप ब्लॉकचेन यूज़ करेंगे तो $11 फीस आपको देना पड़ेगी, ठीक है जी। और अगर आप बाइनांस का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे 26 सेंट है, लेकिन वो आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसी तरह आप दूसरा भी जो है बाइनांस चैन का भी, वो भी आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आगे सपोर्ट नहीं करते इस ब्लॉकचेन को, ठीक है जी। तो आपने जब भी पेमेंट करनी है आपने क्या नाम है LTC में पेमेंट करनी है। तो अगर आप LTC में जाएँ तो अब मैं यहाँ बैग जाता हूँ दोबारा, तो मेरे पास LTC है यहाँ पर, ये है जी LTC। मैं विड्रॉ के ऊपर गया और यहाँ पे देखें इसकी जो फ़ीस है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है और ये आपने एड्रेस यहाँ पे डालना है, ये वाला एड्रेस यहाँ से निकालेंगे ना आप। मैं दोबारा निकाल लेता हूँ एक बार, ये वाला एड्रेस आपने कॉपी करना, कॉपी किया और बाइनांस पे गए, यहाँ पे आपने डालना और आपने जितने भी डॉलर यहाँ पे डालने हों, अगर मैक्स है यानी कि मेरे पास जितनी भी पेमेंट पड़ी है वो मैं यहाँ ट्रांजैक्शन करना चाहता हूँ, सेंड करना चाहता हूँ, वो सेंड कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप पहले चेक कर लेना कि कितने डॉलर बन रहे हैं, अब मेरे जो इस फंड के तकरीबन जो डॉलर बन रहे थे वो 15-16 डॉलर हैं, ठीक है। अगर मैंने 15-16 डॉलर डालने हैं तो मैं यहाँ से सबमिट कर दूँगा, ये इस एड्रेस पर ट्रांजेक्शन हो जाएगी, समझ लेंगे ये एक मेरा वॉलेट ही है, ठीक है जी। तो यहाँ पर सिर्फ 26 सेंट लग रहे हैं यानी कि। तो इसी तरह आप LTC को यूज़ करेंगे, ठीक है, कोई आपने दूसरा कॉइन यूज़ नहीं करना। और इसी तरह अगर आपने यहाँ पर पेमेंट करनी है इसमें हाईवोएस में, तो हाईवोएस में पेमेंट करने का तरीकाकार ये है, देखें अगर आप मेन पे आ जाएं तो ये माइनिंग फॉर्म चल रहे हैं, यहाँ पे आपने आना है,
जिस माइनिंग फार्म पे आपने पेमेंट करनी है तो वहाँ आपने उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने जाना है बिलिंग के ऊपर, तो आप बिलिंग के ऊपर गए और यहाँ पे दोस्तों आपने जाना है जी इसके ऊपर कॉइन पेमेंट के ऊपर। कॉइन पेमेंट के ऊपर जाके आपने ये है जी LTC, तो LTC को आपने ऐड करना है इस तरह, ठीक है। तो आपने LTC को ऐड किया तो यहाँ पर मेरे पास ये LTC का एड्रेस निकल के आ गया, ठीक है। तो इसको आपने कॉपी करना है, बाइनांस एक्सचेंज पे जाना है, सेम टू सेम आपने करना है। यहाँ पे आपने अपना एड्रेस डाल देना है, जितनी पेमेंट भेजनी है आपने $10 भेजे कम से कम, यानी कि उसके बाद 15, 20, 40, 50, 100 वो आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पे डाल देंगे। तो ये क्या होगा कि आपका फ़ंड यहाँ पे बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ पे आपका फ़ंड जो है शो हो जाएगा और फीस ना होने के बराबर है। अगर आप इनमें से देखें ETH ट्रांजेक्शन करें, TUSD की ट्रांजेक्शन करें, USDC की ट्रांजेक्शन करें, USDT की ट्रांजेक्शन करें, या डाया कॉइन जिसकी भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे, आपको भाई अच्छी खासी फीस देनी पड़ेगी। तो ये एक ही नेटवर्क है, अगर आप यहाँ पे आएंगे ना हाइव पे, तो यहाँ पे देखें मैं ऐड करता जाऊँगा तो यहाँ पे ये एड्रेस जो है ऐड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये देखें सारे एड्रेस ऐड हो गए हैं, तो ये एक ही एड्रेस है सबका, यानी एक ही ब्लॉकचेन है ये, ठीक है। तो एक ही ब्लॉकचेन के थ्रू ये ट्रांजेक्शन होनी है, लेकिन इसकी ट्रांजेक्शन फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो आप कोशिश करें ब्लॉकचेन इसका, सॉरी क्या नाम है, आप बाइनांस का लाजमी अपना अकाउंट बना के रखें, इसी के थ्रू आप करें। और एक और चीज़ है, यहाँ पे देखें आपके पास एथेरियम होगा। अब लोगों के पास एथेरियम होगा तो उनको पता नहीं चलेगा कि हमने करना क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँगी, देखें ये है जी बाइनांस का मेन होम पेज। आपने जब भी आना है जी, आपने क्या करना है, वॉलेट फैट एंड स्पॉट के ऊपर जाना है जी। और यहाँ पे आने के बाद अगर आपके पास, क्योंकि आप एथेरियम की माइनिंग कर रहे हैं तो आपके पास एथेरियम पड़ा हुआ है, इसका मतलब, ठीक है, आपने एथेरियम के ऊपर आना, यहाँ पे ट्रेड, ट्रेड के बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पे तो LTC नहीं मिलेगा, तो इससे बेहतर तरीका क्या कि आपने LTC बाय करना। तो आप डायरेक्ट एक काम करना, यहाँ पे LTC लिख लेना, यानी कि वैसे तो मेरे सामने नज़र आ रहा है LTC, लेकिन यहाँ पे लाइट कॉइन हो गया, यहाँ पे आपने आना है ट्रेड पे। तो ट्रेड पे आने के बाद आपके पास होगा जी ETH, तो आपने ETH के ऊपर जाके इसको सिलेक्ट करना है और ओपन कर लेना है। तो अभी मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ कि आप बाय किस तरह करेंगे। देखें अगर तो आप यानी कि लिमिट लगा के बाय करना चाहते हैं कि भाई मैं इस प्राइस पे बाय करूँगा, तो फिर आप ये लिमिट वाला ऑप्शन यूज़ कर लें। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, जो मार्केट में जो भी प्राइस चल रही है तो इसी टाइम मैं बुक कर लूँ, यानी कि बाय कर लूँ, तो आपने मार्केट के ऊपर जाना और यहाँ पर आपके पास जितने भी ETH होंगे, यानी कि ठीक है, उस हिसाब से आप यानी कि बाय कर लेंगे LTC को, ठीक है जी। आप यानी कि ETH दे के LTC बाय कर लेंगे, तो ये जो भी करंट प्राइस मार्केट में उस टाइम चल रही होगी, बस आपके एक बटन से यानी कि वो यहाँ पे बाय हो जाएगा, और बाय होके ये वाला जो फंड है यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। और उसी के बाद फिर आपने क्या करना है, वॉलेट पे जाएं, फैट एंड स्पॉट पे चले जाएँ वापस रिवर्स, और उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर आ जाएंगे तो LTC विड्रॉ के ऊपर जाएंगे और यहाँ से आप ट्रांजेक्शन कर देंगे। जब भी ट्रांजेक्शन करनी है यहाँ से LTC को सिलेक्ट करना है, ये लाजमी ज़हन में रखें, ठीक है। तो LTC को सिलेक्ट करके यहाँ पे एड्रेस डालें और यहाँ पे अपनी अमाउंट डाल के तो यहाँ पे सबमिट कर देंगे, तो बस इतना सा ही काम है, तो आपकी ये ट्रांजेक्शन हो जाएगी। तो समझ लें कि ना होने के बराबर आपकी जो फ़ीस लगेगी तकरीबन 26-27 सेंट बनते हैं। अगर आप वैसे कोई और भी कॉइन सेंड करते हैं, जिस तरह मैं आपको बताता हूं जी, अगर आप मिसाल के तौर पे आप निकालते हैं जी USDT, तो USDT अगर आप सेंड करें तो $20 इसके लगेंगे, क्योंकि आपने एथेरियम का ब्लॉकचेन यूज़ करना है, क्योंकि आगे जो है ट्रोन का वो ब्लॉकचेन सपोर्ट अभी नहीं करता, उन्होंने अभी ऐड नहीं किया। तो आप इसी के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं एथेरियम के ब्लॉकचेन के थ्रू। तो यहाँ पर आप देखें $20 आपकी फ़ीस लग जाएगी। इससे बेहतर है कि आप LTC को यूज़ करें और उसकी ट्रांजैक्शन कर दें जी, बिल्कुल आसान है और कोई परेशानी वाली बात भी नहीं है। तो काफ़ी दोस्तों को प्रॉब्लम आ रही थी इसके ऊपर, तो मैंने सोचा कि मैं आज वीडियो यार बना ही दूं, काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं।
तो जो नए दोस्त आए हैं सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाजमी, ज़करिया ज़ेडियो चैनल, और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो अकाउंट आपने लाजमी बना लेने हैं जी, इसके क्यू कोइन का और बाइनास एक्सचेंज का, रेमिटानो का और पैक्सफुल का। इंशाल्लाह आपको आगे फ्यूचर में भी ये यूज़ होंगे आपके अकाउंट। और अगर आप माइनिंग करना चाहते हैं तो बाइनास का अकाउंट यूज़ करें, यहाँ से आप बाइंग सेलिंग भी कर सकते हैं, सारे काम हो सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं। तो बाइनास नंबर वन एक्सचेंज है इस टाइम, तो आप इसको यूज़ करें, ठीक है जी। तो जाने से पहले दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो हम मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग, अल्लाह हाफिज़।